होशंगाबाद में एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आगजनी से पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के गेहूं नहीं जले बल्कि उनकी किस्मत चली है। खड़े हैं जिनकी फसल को कल दावानल ने निगल लिया। किसान के साथ तो हमेशा ये सरकार है। शिवराज जी ने कल कहा था कि सरकार को राहत राशि 5 लाख कर देना चाहिए और 50,000 से अधिक कर देना चाहिए। शिवराज जी कल आए थे यहाँ, इसका विचार किया जाएगा। जो राशि थी हमने 4 लाख घटना घटी है होशंगाबाद में, होशंगाबाद जिले में, जिसमें कि खड़ी हुई फसल और कटी हुई फसल और ये आंधी तूफान के कारण आग लगी है। तो उसमें लगभग घायल तो हुए हैं, लगभग 13 मरीज तो नर्मदा अपना अस्पताल में है, 4 मरीज अभी जिला अस्पताल में हैं और 2 एक भोपाल में गए हुए हैं। ये 13 मरीज जो हैं ये रात में जब आए थे तो रात से ही होशंगाबाद के लोग हैं वो भी और साथ में प्रशासन भी, सब लोगों ने मिल के उनको यहाँ पहुँचाया। और उन 13 मरीजों में जो है 4 मरीज घायल हैं, तो उसमें से एक मरीज का तो थोड़ा है जो का ड्राइवर था जो गंभीर रूप से 95% से ज़्यादा बीमारी था उसको, और उनका इलाज चल रहा है अस्पताल है अपने, उनके इलाज चल रहा है। और प्रशासन ने भी उसमें हमने हमको कहा है कि उनके इलाज करें और उसमें सरकार ने दो बच्चे हैं उसमें जिनको कि बर्न है, 24% का बर्न है और बच्चे तो ठीक हैं, ईश्वर उनको बचा लेगा, माँ नमता की कृपा रहेगी उनको। उनकी पूरी फैमिली थी जो है, जो शायद जब वो रास्ते में आ रहे थे और दोनों तरफ उनकी खेतों में आग लगी हुई थी और उसके बाद उनको नहीं समझ पाए कि वापस मुड़े नहीं मुड़े, गिर गए और एक पुलिया थी, पुलिया के नीचे आने से वो उनको कम नुकसान हुआ है। उनको उनका पूरी परिवार है, उनका पूरा उनकी उनकी माँ है और दो बच्चे भी, लेकिन वो अपेक्षाकृत ठीक है।